आखिरकार हमारा देश भारत ब्लू वाटर नेवी की कैटेगरी में शामिल हो चुका है। अब अगर आप नहीं जानते ब्लू वाटर नेवी क्या होता है, किसे कहा जाता है, तो दरअसल ब्लू वाटर नेवी एक ऐसी नेवी फोर्स को कहा जाता है जो अपने देश के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी ऑपरेट कर सकती है। और ये बहुत गर्व की बात है कि हमारा देश भारत भी उन चुनिंदा देशों में से एक है जिनकी नेवी ब्लू वाटर नेवी के कैटेगरी में शामिल है। और मैं आपको बता दूं, ब्लू वाटर कैटेगरी के अंदर दुनिया के उन्हीं चुनिंदा देशों को रखा जाता है जिनके पास एक या एक से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद होते हैं। और अभी के समय में भारत के कुल दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिनमें से एक है आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा आईएनएस विक्रांत, जो कि अभी शामिल हुआ है। ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर ना सिर्फ इंडियन ओशन के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी अपना डोमिनेंस दिखा सकती है। और अभी के समय में इंडिया, चाइना, रशिया, यूके, फ्रांस, इटली और यूएसए जैसे कंट्रीज ब्लू वाटर कैटेगरी के अंदर शामिल है। वैसे क्या भारत को अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए।